तो दोस्तों भारत के इतिहास में पहली बार ऐसे व्हील लोडर्स बनकर तैयार हुए जो कि 100% मेड इन इंडिया है और ये काम किया है एलएनटी कंपनी ने। दरअसल उन्होंने यहाँ पर 70 से भी ज्यादा व्हील लोडर्स को बनाकर तैयार किया है और एलएनटी कंपनी की ये जो मशीनरी है इसे 1920 नाम दिया गया है। जो इन मशीन्स की सबसे खास बात है वो ये है कि ये -20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक आसानी से ऑपरेट कर सकती है और यहाँ पर कोई भी तरह का लैग नहीं होता है। इन व्हील लोडर्स का इस्तेमाल भारत में सड़कें बनाने के लिए किया जाएगा, उसी के साथ साथ इसका इस्तेमाल माइनिंग में भी किया जाएगा। अब तक भारत में जो व्हील लोडर्स बनाए जा रहे थे उसमें इस्तेमाल होने वाले जो कंपोनेंट्स थे उसे दूसरी कंट्रियों से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलएनटी कंपनी ने ये 100% मेड इन इंडिया व्हील लोडर बनाकर तैयार की है। इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। दरअसल अफगानिस्तान अपने यहाँ माइनिंग करने के लिए भारतीय कंपनियों को इन्वाइट कर रहा है। पहली बार नहीं होगा जब भारत और अफगानिस्तान के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है। 2019 में भारत ने $1 बिलियन से भी ज्यादा एक्सपोर्ट किया था अफगानिस्तान को, पर धीरे धीरे कर ये एक्सपोर्ट कम हो चुका है। लेकिन अब भारत और अफगानिस्तान के बीच में फिर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान ने भारतीय कंपनी को इन्वाइट किया है दरअसल माइनिंग करने के लिए और ये बिजनेस $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा का होने वाला है। दरअसल अफगानिस्तान में कॉपर, जिंक, सल्फर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये सारे ही एलिमेंट्स काफी ज्यादा रेयर है, इसके साथ साथ वहाँ पर लिथियम भी प्रेजेंट है और यही एक कारण है जिसकी वजह से अफगानिस्तान ने भारतीय कंपनियों को इनवाइट किया है। दरअसल इन एलिमेंट्स को निकालकर अफगानिस्तान प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। भारतीय कंपनी यहाँ पर अपनी मशीनें और इक्विपमेंट्स को सप्लाई करेगी अफगानिस्तान को। देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस होगा। अभी फिलहाल दोनों देशों के बीच में 12,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, लेकिन अब इस नए माइनिंग प्रोजेक्ट के बाद ये बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान में ऐसे ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिसकी भारत को आज काफी ज्यादा जरूरत है और इस नई बिजनेस डील के बाद हम उसे काफी आसानी से मंगा पाएंगे। इसी के साथ साथ हैदराबाद और काबुल के बीच की कनेक्टिविटी को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए काफी सारे नए स्टेप्स को उठाया जा रहा है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आज भारत के इक्विपमेंट्स और मशीनरी की काफी ज्यादा डिमांड है दूसरे कंट्रियों में। पहले हमें इन मशीनों को दूसरी कंट्रियों से इम्पोर्ट करना पड़ता था, पर अब भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने वाला है फ्यूचर में। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट, इस पर आपकी क्या राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस चैनल पर भारत की ऐसी अपडेट लाते रहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।